दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंडिया में भी 24 घंटे इंटरनेट ऑन करके आप डाटा चला सकते हैं, आप नेपाली हैं, आपके पास इंडियन सिम नहीं है तब भी। तो दोस्तों जब हम नेपाल से इंडिया में जाते हैं, कोई भी काम पड़ता है या कोई ज़रूरी काम उधर पड़ता है, तो दोस्तों वहाँ पर हमें इंटरनेट का बहुत ही ज़रूरी होता है। और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में जो भी है नेपाल में, कनेक्ट होने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन सिम लेने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है और हम डॉक्यूमेंट बिना इंडियन सिम ले नहीं पाते और डाटा भी नहीं चला पाते हैं और वहाँ पर हमारा दिक्कत होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सबका सॉल्यूशन मैं लाया हूँ कि कैसे आप अपने एनसेल सिम से भी इंडिया में रह करके इंटरनेट 24 घंटा चला सकते हैं और अपने फ्रेंड्स या फैमिली से कनेक्ट रह सकते हैं। तो बताने से पहले मैं आपसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, मैं हूं रामबीन यादव। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं नीचे को रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि आप यदि इंडिया में जा रहे हैं तो दोस्तों एनसेल में एक सुविधा है रोमिंग का, डाटा रोमिंग का, जो कि एक दिन का 130.24 यानी कि 130.24 रुपये आपके बैलेंस से कटेगा और दोस्तों आप 24 घंटा इंटरनेट यूज कर सकते हैं इंडिया में रह करके भी एनसेल सिम से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वहां पर एक्टिवेट करना होता है डाटा पैक रोमिंग। तो दोस्तों आप फिलहाल अभी नेपाल में हैं, तो दोस्तों एक्टिवेट करने के लिए आसान तरीका है, आप अपने कीबोर्ड से यानी डायलर से प्रेस करके *17#9# डायल करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं और डेली डाटा भी एक्टिवेट वहां पर कर सकते हैं। तो यदि आप इंडिया में चले गए हैं और आपके मोबाइल में एनसेल का नेटवर्क नहीं है तो दोस्तों उसके लिए भी है सुविधा, जिससे कि आप वेबसाइट में जा करके वहां से भी आप इंटरनेशनल डाटा रोमिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा यह है कि आपका एक दिन में 130.24 पैसे कटेगा नेपाली और आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से कनेक्ट रह सकेंगे, ईमो से व्हाट्सएप से बात कर सकेंगे 24 घंटा यानी कि ऑल टाइम डे वन डे। तो दोस्तों इसमें ऐसा सुविधा है कि एक दिन जब आपका बीतेगा ना, एक यानी कि 24 घंटे, इसके बाद दोस्तों 130.24 पैसे आपके अकाउंट से लगेगा और फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको एक्टिवेट करनी है, तो सर्विस एक्टिवेट करने से आपको 15 दिन तक मिलेगा ऐसे ही जब आप रोम इंडिया में रहेंगे। इसके बाद रोमिंग पैक अनलिमिटेड पैक यानी कि ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, जब आपका एक दिन खत्म होगा दूसरा दिन चालू हुआ वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों अब चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पर लेकर के आपको कि वहां पर बताता हूं कि कैसे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे आप वेबसाइट पर भी जा करके एक्टिवेट कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ पर सब कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। तब तक कहना चाहूँगा यदि आप अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे इससे अच्छा अच्छा नॉलेज आपके लिए लाता हूँ और लाता ही रहूँगा। तो चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों इंटरनेशनल डाटा रोमिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले डायलर पे आना होगा। यहाँ पर डायलर पर आएंगे और आपको यहाँ पर इंटर करना होगा *17#129#। इसके बाद यहाँ पर कॉल पर आप प्रेस करेंगे सिंपली, इसके बाद यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ गया है और यहाँ पर सबसे पहले आपको रोमिंग एक्टिवेट कर लेनी है। तो एक नंबर यहाँ पर इंटर करके आप यहाँ पर रोमिंग इंटर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आप इंटर करेंगे 1 और सेंड करेंगे, इसके बाद आपके मोबाइल पर रोमिंग एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पर डेली डाटा रोमिंग पैक चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आप 2 नंबर यहाँ पर प्रेस करिएगा, 2 और इसके बाद सेंड कर दीजिएगा। सेंड करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेट डेली डाटा पैक दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं 1 नंबर यहाँ पर सेंड करके। यहाँ पर 1 सेंड करिएगा, इसके बाद आपके मोबाइल पर आपके सिम पर एक्टिवेट हो जाएगा डेली डाटा पैक। तो दोस्तों ये था पहला तरीका। अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर, जबकि आप इंडिया में हैं फिलहाल और आपके मोबाइल पे नेटवर्क नहीं है, तब आप कैसे डेली डाटा पैक रोमिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि वेबसाइट पर जा करके कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर देखते रहिए। तो यहाँ पर आएंगे क्रोम ब्राउज़र पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है, इसको आप ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप कर देनी है यहाँ पर
यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है एनसिल डाटा रोमिंग एक्टिवेट। इसके बाद यहाँ पर सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर पर एक वेबसाइट आएगी, यहाँ पर ncelexiata.com। यहाँ पर यदि आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कितना कटेगा, कितना लगेगा करके, तो इसको आपको नहीं प्रेस करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आएंगे नीचे की ओर, नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, रोमिंग एनसेल एक्जियाटा वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू। आप देख सकते हैं इसको आपको प्रेस करनी है, ऐसे क्लिक करनी है। तो क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सेलेक्ट द कंट्री यू आर विजिटिंग। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना कंट्री, यहाँ पर इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं डेली अनलिमिटेड डाटा रोमिंग पैक, यहाँ पर 130.24 यहाँ पर एक दिन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर वॉइस एंड SMS रोमिंग पैक भी यहाँ पर है जो कि अभी महंगा है। तो आपको यहाँ पर डेली अनलिमिटेड डाटा पैक कैसे एक्टिवेट करें यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रेस करनी है इस पैक को। यहाँ पर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल आप मोबाइल नंबर डाल देते हैं अपना। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे मोबाइल नंबर डाल करके। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन आएगी यहाँ पर, एक्टिवेट रोमिंग एंड बाय पैक। तो दोस्तों यहाँ पर अभी बताया गया है यहाँ पर कि अभी रोमिंग सर्विसेज आपके सिम पे नहीं एक्टिवेट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप बाय कर सकते हैं पैक और एक्टिवेट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए तो दोस्तों यहाँ से आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं या तो बैलेंस अपना यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था तरीका आपको बताना। तो दोस्तों इसका मैं लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसी पेज पर। तो यहाँ पर रिडायरेक्ट होंगे और यहाँ पर आप एक्टिवेट कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।